दोस्तों मसल की कमजोरी के कारण और हड्डियों की कमजोरी के कारण जोड़ों और घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है हड्डियों को मजबूत कैसे करें और मसल को मजबूत कैसे करें ताकि चाहे घुटनों में दर्द हो रहा है या जोड़ों में दर्द हो रहा है वो दूर हो जाए जब तक आपके मसल कमजोर रहेंगे घुटनों का दर्द ठीक नहीं हो सकता क्योंकि आपने भी महसूस किया होगा जो घुटनों का दर्द है वो सबसे पहले नीचे शुरू होता है यानी कि मसल्स में शुरू होता है उसके बाद ऐसे महसूस होने लगता है जैसे तो उसे कैसे दूर किया जाए आज में आपको ऐसी अगर आप रोजाना करते हैं तो ये ठीक हो जाएगा यानी कि मसल मजबूत हो जाएंगे दोस्तों जो ये एक्सरसाइज है ये ना केवल हमारे घुटने की मसल को मजबूत करती है बल्कि पूरी लेग यानी पूरी टांग की मसल को मजबूत करती है तो चलिए जानते हैं वो कौन सी मसल्स हैं जिनको हमें मजबूत करना है ताकि ये जोड़ों और घुटनों का दर्द तो हमारी हमारी की की तो आपको क्या करना होगा पैरों की जो उंगलियां हैं उनको आगे करना है पीछे करना है दबाना है छोड़ना है दबाना है छोड़ना है दोस्तों वीडियो लंबी ना हो तो मैं आपको ज्यादा करके नहीं बता रही बल्कि आपने इसे तीस से चालीस बार करना है जैसे कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस इस तरीके से आपने तीस से चालीस बार इस पहली को करना है ऐसा करने से आपकी पैर की जो मसल्स हैं वो मजबूत हो जाएंगी दोस्तों बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की ध्यान रखिएगा बहुत मोटी मोटी भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं है लेकिन अगर आप अपने घुटने की मसल को मजबूत करना चाहते हैं तो पूरी लेग की मसल को मजबूत जरूर करना होगा तो सेकेंड एक्सरसाइज में दोस्तों आपने क्या करना है पैरों को एंकल पर यानी कि यहाँ जो हमारी एंकल होती है जहाँ पायल बांध दी जाती है वहाँ आपका ध्यान अपने कर देना है केंद्रित यानी कि वहाँ स्टेबल है आपका ध्यान और हमने यहाँ की मसल्स को मजबूत करना है तो उसके लिए आपने एक बार ऐसे एक दो तीन चार यानी कि एक बार आगे पैर जा रहा है पीछे जा रहा है इस तरीके से छः सात आठ नौ दस इस तरीके से आपकी ये जो पिंडलियों की मसल्स हैं वो भी आपकी मजबूत हो जाएंगी और एंकल की मसल भी मजबूत हो जाएंगी दोस्तों इसे भी आपने 30 से 40 बार ऐसे ही करना है इसके बाद इसका ही सेकंड स्टेप है, उसमें आपने दोनों पैरों की मसल्स को एक साथ स्ट्रेच करना है दोनों पैरों को एक साथ झुकाना है वापस ऊपर लेके आना है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ये जो मसल्स हैं इससे एक्टिव होगी बहुत खींच के बहुत जोर लगा के नहीं करना ऐसे नहीं करना कि मसल्स दुखने लग जाएं। दोस्तों मसल मजबूत कर रहे हैं हम मसल्स को तोड़ नहीं रहे तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं मसल्स के मजबूती के लिए तो उसके बीच में आपने अपनी टांगों को टैप जरूर करना है टैप करने का मतलब क्या होता है टैप करने से जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं यानी कि थोड़ा बहुत अगर उनमें खिंचाव भी आया है तो वो ठीक हो जाएगा यानी कि आपने अपनी टांगों को इस तरीके से टैप करना है टैप करने से यहां बहुत रिलैक्स फील होता है वैसे भी जब आप बेड बैट पे बैठे हैं या फिर खाली बैठे हैं तो आप जरूर टैप कीजिए अगर आपकी पिंडलियों में दर्द हो रहा है तो ऐसा करने से ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत अच्छे से होने लगता है ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है ताकि ये जो हम मसल्स को मजबूती दे रहे हैं इसके अलावा जब हमारे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है ना तो कोई भी पेन बॉडी में कहीं भी स्टेबल रह ही नहीं सकता अगर वहां ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है जैसे आपको भी पता है ब्लड का सर्कुलेशन अगर हमारी बॉडी में अच्छे से होगा तो हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा अगर टांगों से टांगों में अच्छे से होगा तो हमारी टांगे हेल्दी रहेंगी ऐसे ही ये टैप करने से हमारी पूरी की पूरी लेग की मसल्स जो है वो रिलैक्स होती है ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है जो ये घुटने की जो चक्की होती है ना जो घुटने की ये चक्की है इसको आपने खींचना है अपनी तरफ खींचिए छोड़ दीजिए अपनी तरफ खींचिए छोड़ दीजिए अपनी तरफ खींचिए छोड़ दीजिए ऐसे ही आपने दोनों को करना है खींचिए छोड़ दीजिए खींचिए छोड़ दीजिए यानी कि चक्की को आप अपनी तरफ खींच रहे हैं अपने माइंड से अपनी तरफ खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं खींच रहे हैं ये जो है वो घुटने की जो नीचे की मसल्स जो है उनको मजबूत करती है कभी कभी कुछ लोगों के घुटने दर्द नहीं करते लेकिन नीचे की मसल्स जो होती हैं जिन्हें बॉल कहा जाता है वो पेन करने लग जाती है तो ये बहुत अच्छी है आपने अपने घुटनों को खींचना है अपनी तरफ ऊपर की तरफ छोड़ देना है फिर खींचना है फिर छोड़ देना है फिर खींचना है फिर छोड़ देना है इस तरीके से करना है अगर आप हो सके आपके पास हो वक्त हो तो आपने हर एक एक्सरसाइज एक के बाद

आपने इस तरीके से ऊपर नीचे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आपने ऊपर नीचे करना है ये आपने कम से कम 20 बार जरूर करना है एक लेग से और 20 बार आपने करना है दूसरी लेग से इस तरीके से आपने करना है ध्यान रखिए इस लेग को यहां तक ही ऊपर उठाएं यानी कि इससे ज्यादा ऊपर आपने नहीं उठाना सिर्फ यहां तक ध्यान रखिए इस चाइस का ये है ऐसी एक्सरसाइज जो आपके घुटनों को इंस्टेंटली रिलीफ देगी अगर अभी दर्द हो रहा है तो आप मेरे साथ इस एक्सरसाइज को जरूर कीजिए और आपने दिन में इसे दो से तीन बार जरूर करना है बहुत साधारण सी है कहीं भी बैठ कर कर सकते हैं मैं यहाँ नीचे बैठी हुई हूँ तो आपको दिख रहा है बहुत आराम से मैं कर पा रही हूँ इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको टॉवल की जरूरत पड़ेगी या फिर जैसे ये बेलन है ये नॉर्मल बेलन से बड़ा बेलन है ना आप देख पा रहे हैं तो आपने अपने ये जो जस्ट घुटना होता है इसके नीचे रख देना है और ये आप अभी देख पा रहे होंगे क्लियर तो इस ये रख देना है और इसको दबाना है दबाइए छोड़िए दबाइए छोड़िए दबाइए छोड़ दीजिए दबाइए छोड़ इस तरीके से करते हैं ना तो यार नीचे की मसल्स बहुत रिलैक्स हो जाएंगी आप अभी करके देख लीजिए आपको पता लग जाएगा अगर आप खुद नहीं दबा पा रहे आपकी जो घुटने की जो मसल्स है बहुत कमज़ोर हो चुकी तो आप अपने हाथ का सहारा दे सकते हैं इस तरीके से दबाइए छोड़िए दबाइए छोड़िए दबाइए छोड़िए दबाइए छोड़िए ऐसा करने से ये दोनों लेग के से करना है यानी कि सेम आपने दूसरे लेग से करना है दबाइए छोड़िए दबाइए छोड़िए दबाइए छोड़िए इस तरीके से करना है दोस्तों ऐसा करने से हमारे घुटने के जो नीचे की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती लिए और रिलेशनशिप के लिए बहुत फायदेमंद है आप मेडिटेशन के फायदे जानते ही होंगे लेकिन अगर आप फ्री में मेडिटेशन करना चाहते हैं बहुत ही कमाल का मेडिटेशन तो हमारे दूसरे चैनल पवन धवन पर सुबह की है छे से लेकर साढ़े छह बजे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक उसमें नंबर होगा वो, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है दोस्तों उसमें आप ऐड हो जाएंगे तो आपको रोज का रोज का लिंक मिल जाएगा ताकि आप उस क्लास को ज्वाइन कर सके ना वहां के एरिया में दर्द आ सकता है अब मैं आपको बता देती हूँ एक खाने वाली एक पीने वाली ऐसी चीज जो कि आपकी हड्डियों को भी मजबूत कर देगी उसके लिए आपको सिर्फ चाहिए दोस्तों एलोवेरा एलोवेरा जूस को सिर्फ दो से तीन चम्मच आपने लेने हैं गुनगुने पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ मिक्स करके दिन में दो बार खाली पित कभी भी ले लीजिए ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेंगे इसके एलोवेरा का जूस इसका सेवन आप जरूर कीजिए हूँ आशा करती हूँ बहुत होगी इसे मैंने आपको खुद करके दिखाया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी एक्सक्यूज आपके माइंड में ना हो अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा ऐसी ही और इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ नए ट्रिक के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद